एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो यूरोपियन टिटैन गिब्राल्टर का आज के दिन का यहाँ पर मुकाबला होगा जो खेला जाएगा स्लोगर्स वर्सेस पायरेट्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको बेटिंग ऑर्डर, न्यू प्लेस का स्टैट्स और जो भी फाइनल अपडेट्स आएंगी सारी की सारी आपको वहीं पर मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करते हैं इस मैच के बारे में। 10 बजे मैच स्टार्ट होगा और मैच खेला जाएगा यूरोपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिब्राल्टर में। बैलेंसर पर रहता है बैटर्स और बॉलर दोनों के लिए। एवरेज स्कोर 80 से 110 बनता है। 6 मैचेस यहाँ पर अब तक हो चुके हैं, 3 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 3 मैचेस हुआ है। पहले बात कर लेते हैं स्लोगर्स की टीम की। तो स्लोगर्स की टीम ने 2 मुकाबले खेले हैं, पहला हारे दूसरा जीते। अब इनकी तरफ से ना दोनों मैचों में ओपन किया था जूलियन फ्रियोने और उनके साथ में ब्रायन जमित, और दोनों ही शानदार प्लेयर हैं। जूलियन फ्रियोने पहले मैच में 43 रन 0 विकेट है, दूसरे में 13 रन है। 2022 में अपने क्लब के लिए 8 मैच में 154 रन है और टी10 में भी अगर आप देखोगे तो 8 मैच में 177 रन है। बहुत शानदार प्लेयर है, मस्ट पिक होना चाहिए। ब्रायन जमित है कैप्टन, वाइस कैप्टन चॉइस है क्योंकि ओपन करता है साथ के साथ 2 ओवर आपको कंफर्म देता है। पहले मैच में 61 रन 0 विकेट, दूसरे में 19 रन 2 विकेट है और 2022 में अपने क्लब के लिए शानदार परफॉर्मेंस करके आ रहा है। 9 मैच में 240 रन 9 विकेट है, मस्ट पिक होना चाहिए। कायरन स्टोंगो है, 16 और 21 है, विकेट कीपिंग करेगा और वन डाउन बैटिंग करेगा, ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। टी10 में 8 मैच में 161 23 का एवरेज, 1 विकेट है और 2022 में अपने क्लब के लिए 4 मैच में 64 रन 1 विकेट है। राहुल दसवानी है, 1 नॉट आउट है और 12 रन 1 विकेट है 1 ओवर डाल के। 2022 में अपने क्लब के लिए 5 मैच में 80 रन 2 विकेट है। फिर यहाँ पर चलेंगे लुके कोलाडो, जो कि आपके लिए जीएल का ट्रंप बन सकता है। स्मॉलिंग में तो थोड़ा रिस्की रहेगा लेकिन जीएल का ट्रंप बन सकता है क्योंकि दोनों मैचेस में इसने बॉलिंग करवाई है। हालांकि विकेट लेस रहा है लेकिन दोनों मैचों में बॉलिंग करवाई है, मतलब विकेट लेने के चांसेस भी रखता है। यहाँ पर कबीर मीरपुरी, पहले में विकेट ले, दूसरे में 11 एक विकेट है, स्पिनर है ये। 2022 में अपने क्लब के लिए 5 मैच में 130 रन 3 विकेट है, बैटिंग भी अच्छी खासी कर सकता है। चार्ल्स हैरिसन पहला मैच खेला नहीं, दूसरा खेला लेकिन बैटिंग बॉलिंग नहीं करवाई थी, हालांकि बॉलिंग करवा सकता है क्योंकि टी10 में 11 मैच में 2 विकेट है और टी20 में 7 मैच में 6 विकेट है, लेकिन इसको बॉलिंग थोड़ी कमी मिलती है। क्रिश्चियन नवास, दोनों मैचों में सिर्फ 1 ओवर है, टी10 में 2 मैच में 9 रन है, 18 रन 9 का एवरेज है और अपने क्लब के लिए 6 मैच में 36 रन 3 विकेट है। गैरी टर्नर बोन, एक और ट्रंप प्लेयर, विकेटलेस और यहाँ पर 0 विकेट है, दोनों मैच में विकेटलेस है लेकिन बॉलिंग करवाता है। 5 मैच में 2 विकेट है टी10 में, अपने क्लब के लिए 3 मैच में 31 रन 2 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे इमर्सन रोवेंगो, पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं, दूसरे में विकेटलेस। जे नील का भी कोई खास रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ जूलियन फ्रियोने, ब्रायन जमित, इसके अलावा नीचे से मैं राहुल दसवानी को रख रहा हूँ। अगर आप ड्रीम पे खेलते हो तो वहाँ पर आप ना स्टेंगो को रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप, आपको पता है 1 सेक्शन से 8 प्लेयर तक पिक कर सकते हो, वहाँ पर आप स्टेंगो को रख सकते हो। क्योंकि मैं दूसरे ऐप की अगर बात करूँ तो वहाँ पर आप, यहाँ पर मैं रखूँगा, देखो मीरपुरी को मैं रखूँगा और नवाज को रखूँगा। अब जो ड्रीम पर खेलता है वो नवाज को ड्रॉप करके ना बैटिंग सेक्शन में है, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में आपको दूसरे ऐप में तो 3 प्लेयर लेने पड़ेंगे ना, तो नवाज को ड्रॉप कर देना आप अगर ड्रीम पे खेलते हो और स्टेंगो के साथ चले जाना, क्योंकि ये वन डाउन बैटिंग और विकेट कीपिंग करेगा। और नीचे से मैं गैरी टर्नर बोन को रखूंगा क्योंकि ये बॉलिंग करवाएगा। बाकी बेंच में जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है स्टेट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर यहाँ से डालेंगे ई रोवेंगो, आर दसवानी, कबीर मीरपुरी और उनके अलावा डेथ में भी मीरपुरी आया था, जमित आया था और कोलाडो आया था। दूसरी तरफ बात करें पायरेट्स की टीम की, काफ़ी बढ़िया टीम है, दोनों मुकाबले जीती। ओपन करेंगे केनरोय नेस्टर और एंड्रयू राइस। पहले बात करेंगे नेस्टर की, 8 रन 1 विकेट है, 62 रन 1 विकेट है, बहुत हार्ड हिटर प्लेयर है ये। टी10 में 22 मैच में 430 रन 2 विकेट है और टी20 में 18 मैच में 139 8 विकेट है। एंड्रयू राइस 46 नॉट आउट 0 विकेट 5 रन 2 विकेट है, टी10 में 9 मैच में 154 5 विकेट है, मतलब कंफर्म 2 ओवर साथ के साथ बैटिंग तो मस्ट पिक है। लोने बंस, इसको देखो बिल्कुल इग्नोर मत करना, बहुत टॉप क्लास का बॉलर है, साथ के साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। 0-0 विकेट है, 17-0 विकेट है, ग्रैंड लीग में कुछ टीम में आप इसको कैप्टन भी कर सकते हो। 18 मैच में 15 विकेट है टी10 में और 331 रन है। सीरो का 17 नॉट आउट और 9 रन है, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएगा। डेविड रॉबिन्सन, दोनों मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली थी। मार्क ग्रांट, पहले में विकेट लेस, दूसरे में 1 विकेट था, इसके नाम टी10 में 6 मैच में 3 विकेट है और 2022 में अपने क्लब के लिए 7 मैच में 63 5 विकेट है।
रिचर्ड कनिंगम बहुत शानदार बॉलिंग करवाई है, पहले मैच विकेट, दूसरे में 2 विकेट है, क्योंकि डेथ में भी आ जाता है ना ये। जूलियन संतोष दोनों मैच में बॉलिंग नहीं, जीएल में ट्राई कर सकते हो। रयान ग्रिम्स को भी दोनों मैच में बॉलिंग नहीं, जीएल में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। T10 में 8 मैच में 0 विकेट है, 2022 में अपने क्लब के लिए 8 मैच में 141 3 विकेट है। सुरेश नेलाकुत्ती और निशांत जोशी दोनों का कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ से मैं पिक करूँगा नेस्टर, रियाज, बर्न्स, नीचे से मैं रखूँगा ग्रांट और कनिंगम। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेलता है स्टार्ट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे नेस्टर और रियाज, और डेथ के ओवर डालेंगे बर्न्स, रीज और यहाँ से कनिंगम। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करें यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है एल बर्न्स को, बैटिंग सेक्शन से दसवानी को रखा है, नवाज को रखा है, फ्रियोनी को रखा है, और ऑलराउंडर सेक्शन से रीज को रखा है, नेस्टर को रखा है, मीरपुरी को रखा है और जमित को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से कनिंगम, टर्नर बॉन और कनिंगम यहाँ पर दोनों प्लेयर को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ से देखो कैप्टन मेरे नेस्टर है, वाइस कैप्टन जमीत है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में अपडेट करा दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना मत भूलना, क्योंकि न्यू प्लेयर्स के स्टेट्स और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।